एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए डीसी वोल्टेज सोर्स करंट विल फ्लो फॉर अ शॉर्ट टाइम टू चार्ज द कैपेसिटर एज चार्ज एक्युमुलेट्स ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच द कैपेसिटर विल अपोज द करेंट फ्लो व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड द करेंट इन द सर्किट फॉल्स टू जीरो व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड डिस्चार्ज्ड अल्टरनेटिवली सो द कैपेसिटर रेगुलेट्स द करेंट बट डज नॉट कंप्लीटली प्रिवेंट द फ्लो ऑफ चार्ज. कंसिडर एन एसी सोर्स कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर. दिस इज द एसी सोर्स एंड दिस इज द कैपेसिटर. सो द एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर. लेट द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स वी इज गिवेन बाय वी एम साइन ओमेगा टी वेयर वी एम इज द मैक्सिमम वोल्टेज. लेट क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी. द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वी इज गिवेन बाय और वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय सी वेयर सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल Q by C और V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और Q by C इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. सो Q विल बी इक्वल टू वी एम इंटू सी साइन ओमेगा टी. वी नो करेंट I इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dQ by dt. सो d by dt ऑफ Q इज इक्वल टू वी एम सी साइन ओमेगा टी. वी एम इज कॉन्स्टेंट, यू कैन टेक इट आउटसाइड. सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, यू कैन टेक इट आउटसाइड. एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी. यूजिंग द रिलेशन कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, यू कैन सब्स्टिट्यूट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू हियर. सो आई विल बी इक्वल टू ओमेगा सी वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. दिस कॉन्स्टेंट टर्म ओमेगा सी वी एम विल टेक आई एम. सो आई विल बी इक्वल टू आई एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4. इन इक्वेशन 1 वी हैव टेकन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड वी गेट द करेंट आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. सो कंपेरिंग इक्वेशन 1 एंड 4, इट इज क्लियर दैट द करेंट इन द कैपेसिटर इज पाई बाई टू अहेड ऑफ वोल्टेज. दैट इज द करेंट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू अर्लियर देन द वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ ए पीरियड और टाइम पीरियड. हियर यू हैव टेकन आई एम इज इक्वल टू ओमेगा सी वी एम और यू कैन राइट आई एम एज वी एम डिवाइड बाई 1 बाई ओमेगा सी और वी एम डिवाइड बाई एक्ससी. हियर एक्ससी विच इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी इज कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. रिमेंबर द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ द रेजिस्टेंस. इट्स एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ओम. द कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिमिट द एम्पलीट्यूड ऑफ द करेंट इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. लाइक द रेजिस्टेंस लिमिट्स द करेंट इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. इन रेजिस्टिव सर्किट द रेजिस्टेंस लिमिट्स द करेंट एंड इन कैपेसिटन सर्किट द
कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिमिट्स द करंट, एंड फ्रॉम द एक्सप्रेशन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी इज प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा, दैट इज इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल डिक्रीज। सिमिलरली एक्सी इज प्रोपोर्शनल टू 1/सी, दैट इज इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीज देन एक्सी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। नाउ लेट अस नो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द कैपेसिटर। द पावर सप्लाइड टू द कैपेसिटर पी सी, सी फॉर द कैपेसिटर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड वोल्टेज। हियर द करेंट आई इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी एंड द वोल्टेज इज वी एम साइन ओमेगा टी, सो इट इज इक्वल टू आई एम इंटू वी एम इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। वी नो फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, सो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी विल बी इक्वल टू साइन टू ओमेगा टी डिवाइड बाई टू, सो दिस विल बी पी सी विल बी इक्वल टू आई एम इंटू वी एम डिवाइड बाई टू इंटू साइन टू ओमेगा टी। सो द एवरेज पावर ऑफ द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू आई एम इंटू वी एम डिवाइड बाई टू, इट इज कॉन्स्टेंट एंड वी हैव टू टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन टू ओमेगा टी, एंड वी नो द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन टू ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो ओवर ए कंप्लीट साइकिल, सो द एवरेज पावर ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू जीरो। लेट अस वर्क आउट ए प्रॉब्लम। ए लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए कैपेसिटर, प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशंस फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शंस। व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। सो नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट विल हैपेन व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स। सपोज दिस कैपेसिटर व्हिच इज कनेक्टेड टू ए लैंप इज फर्स्ट कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स। व्हेन ए डीसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर द कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड। आफ्टर चार्जिंग नो करंट फ्लोज इन द सर्किट, सो द लैंप विल नॉट ग्लो। When capacitance of the capacitor is reduced, then also the lamp will not glow. Now let us discuss what happens to the bulb when the capacitor is connected to an AC. When a AC source is connected to a capacitor, the capacitor offers capacitative reactance, and the capacitative reactance is given by XC is equal to 1/ωC. Since it will offer resistance, therefore current will flow through the circuit. By reducing the capacitance C, XC will increases because XC proportional to 1/C. So the lamp will shine less brightly than before. Now let us discuss another problem. A 15 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive reactance and the current, that is the RMS current and the peak current in the circuit. If the frequency is doubled, what happens to the capacitive reactance and the current? The capacitance is given 15 microfarad, so it is equal to 15 into 10 to the power minus 6 farad. Voltage is given 220 volt, frequency is given 50 hertz. So capacitive reactance XC will be equal to 1/2πνC. If you substitute these values, then the capacitive reactance will be equal to 212 ohm. The RMS current will be equal to potential divided by XC, so it will be equal to 1.04 ampere. And the peak current will be equal to root 2 times IRMS, so it will be equal to 1.47 ampere. The current will oscillate between 1.47 ampere and
minus 1.47 ampere, the current is ahead of the voltage by pi by 2. The capacitive reactance XC is equal to 1 by omega C. So, if the frequency is doubled, the capacitive reactance will be halved. So, the current will be doubled.